हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेषण में, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि सुनामी के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर पेपर इंग्लिश में ही सारा आता है तो हमको हिंदी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। ठीक है, सुनामी को इंग्लिश में सुनामी ही कहते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है, सुनामी। ठीक है, जैसे ही ये वर्ड आपको मिलेगा सुनामी, समझ जाना कि हाँ, ये सुनामी के बारे में ही लिखने बोल रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुनामी मतलब सुनामी। ठीक है, तो आपको पूरा आंसर हिंदी में लिखना है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब पेपर का क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा तो आंसर हिंदी में कैसे लिखेंगे। जी हाँ, हिंदी में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चन को समझ जाइए कि उसका मतलब क्या है और आप हिंदी में आंसर लिखिए। इसीलिए हम सारा क्वेश्चन के साथ उसका इंग्लिश भी लिख रहे हैं, ताकि आप इंग्लिश भी देख लो, ताकि अगर पेपर इंग्लिश में आए तो आप समझ सको कि इसका हिंदी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनामी का मतलब समझेंगे। सुनामी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहरें आते हैं उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, नहीं। समुद्र में कितनों बड़ा लहर आ जाए उसको हम लोग सुनामी नहीं कहेंगे। ठीक है, बल्कि हम लोग सुनामी उसको कहेंगे जब समुद्र में लहरें आएंगे और उसके बगल वाले तटीय क्षेत्र, जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, समुद्र से लगा हुआ जो किनारा है ना, जहाँ पे समुद्र, जो समुद्र में चलने वाले जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, ठीक है, तो जब वो सब चीज़ों को नुकसान हो जाता है ना, तब हम बोलेंगे कि इतना बड़ा इसमें मतलब लहर आ गया कि इससे क्या हुआ, जान माल का खतरा हुआ, नुकसान हुआ, तब सुनामी कहलाएगा। जब तक वो खतरा नहीं पहुंचाएगा तब तक सुनामी नहीं होगा। और खतरा कहाँ पहुंचाता है, तो बंदरगाह जगह में। बंदरगाह मतलब हो जाता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब बगल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो जब बगल वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है ना, तब हम लोग उसको सुनामी कहते हैं। तो सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है। सुनामी दो भाषा के मेल से बना हुआ है, एक सु और एक नामी। सु का मतलब बंदरगाह, वही बगल वाले क्षेत्र जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और नामी का अर्थ है भयंकर लहरें। इसलिए सुनामी शब्द का अर्थ हो जाएगा भयंकर बंदरगाहें लहरें। ये नहीं कि सिर्फ भयंकर लहरें, भयंकर बंदरगाहें लहरें मतलब बगल वाले लहरें, जहाँ बंदरगाह, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, वहाँ पे जब लहरें चले जाएगी तब वो सुनामी कहलाएगा। ठीक है, सुनामी जब भी आती है तो वो बंदरगाहें, जिसको समुद्र के तटीय क्षेत्र बोलते हैं, बगल वाले क्षेत्र में तबाही मचा देती है। ठीक है, तो सुनामी जब भी आता है ना, जब भी हम लोग सुनामी तभी कहेंगे जब वो तटीय वाले क्षेत्र में तबाही मचाएगा, तो इसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब इसको छोटे छोटे से पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि देखिए जल्दबाजी नहीं, आसान सा आंसर चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए फुल मार्क्स के लिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करवाया जाता है वो सारा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में आती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये समुद्र में आती है, समुद्र में तो आती है, लेकिन ये जो तबाही मचाते हैं ना, वो तटीय क्षेत्र में, बगल वाले क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे से लगा हुआ, पानी का बहाव इधर से तेज से जाता है, और कभी देखते होंगे जो उसका बांध बना रहता है उससे बाहर टप जाता है, उससे नुकसान होता है, कभी गाड़ियाँ वगैरह का बहा करके ले जाती है, जो पानी में जलने वाले जहाज होते हैं उसको बहा करके ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी आने के कारण समुद्र के नीचे टेक्टोनिक जो प्लेट होता है ना, वो टकराना होता है। ठीक है, यानी सुनामी आने का कारण क्या होता है कि सुनामी इसलिए आता है क्योंकि जो समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट होता है ना, वो टकरा जाते हैं, इसलिए समुद्र में कंपन आता है और पानी बहुत ज़्यादा लहरें उत्पन्न करती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है। ठीक है, इस सुनामी आने का मेन कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना आपको वहाँ पे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, सुनामी किस कारण से आता है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना या समुद्र में भारी लहरें आना। नेक्स्ट है इससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। इससे क्या होती है, जब भी सुनामी आता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सुनामी आती है तो समुद्र में लहरें 10 फीट तक भी पहुंच जाती है। अभी सब हम सिर्फ और सिर्फ सुनामी का अर्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी एक ऐसी घटना जो कभी भी घटित हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि किस समय आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कभी कभी सुनामी बहुत ही विनाशकारी हो सकती है, मतलब बहुत ही तबाही मचा सकती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बस अभी सुनामी के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे सुनामी के कारण है कि आखिर सुनामी किस कारण से आती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब सुनामी आती है। ठीक है, तब क्या होती है कि समुद्र में बड़े बड़े लहरें बनने लगती है। ठीक है, जल के नीचे एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक से समुद्र जल में अशांति और समुद्र के नीचे प्लेटों का विस्थापन होता है। देखिए क्या होता है, जल के नीचे जो अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होता है, ठीक है, इससे समुद्र जल में अशांति, समुद्र के जल हिलने लगते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और समुद्र के नीचे प्लेट विस्थापन हो जाते हैं, जो समुद्र के नीचे प्लेट होते हैं ना, वो विस्थापन हो जाते हैं, मतलब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। तो जब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं ना, विस्थापन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो वो हिलने लगते हैं।
ठीक है, इससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। दूसरा हो गया भूस्खलन। जब भी कोई भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब भी मतलब क्या होता है कि भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इससे पृथ्वी की सतह पर अशांति होती है, यानी पृथ्वी की सतह कंपन होने लगती है, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूस्खलन आती है, बर्फ का टूटकर गिरने लगते हैं, और चट्टान का स्खलन हो जाता है, चट्टाने भी जो रहती है ना वो भी टूट जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, भूस्खलन जब आती है, ये भूस्खलन के कारण या तो बर्फ टूटना या तो फिर चट्टाने का स्खलन होना यानी चट्टाने टूट जाना, ये सब के कारण क्या होता है, भूस्खलन के कारण है, ठीक है। और भूस्खलन के कारण महासागर में अशांति होती है। अब यही सब चीज़ों की वजह से भूस्खलन हो जाना या बर्फ़ का टूट जाना या तो बड़े बड़े चट्टानों टूट जाना, ये सब वजह से क्या होता है, महासागर में अशांति फैल जाती है। मतलब जो लहरें होती है ना वो क्या हो जाती है, बड़े बड़े ऊँचे तक पहुँचाती है इसका लहरें, और सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या हो जाती है, हमारा सुनामी का लहर उत्पन्न हो जाती है जो अपने स्रोत से चलती है और आसपास के तटों को नुकसान पहुंचाती है, और जो अपने तेजी के स्रोत से आती है और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूकंप। ऐसा माना जाता है कि सबसे खतरनाक सुनामी लहरों की उत्पत्ति समुद्र के नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। जो समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न होती है ना, सबसे बड़ा मुख्य कारण इसी को माना गया सुनामी आने का, ठीक है। ये समुद्र या समुद्र तल में एक बड़े बदलाव का कारण है। जो ये देखो, सबसे बड़ा सुनामी आने का कारण क्या पता है, जो समुद्र के तल में बदलाव किया जा रहा है, जो समुद्र के तल में बदलाव होता है इसकी वजह से, ठीक है। विवर्तनिक प्लेट जब खिसकती है, उसके जो नीचे विवर्तनिक प्लेट होता है ना, जब वो क्या होती है, खिसक जाती है, तो समुद्र की गतिविधियों को अशांति कर देती है। जो समुद्र का गतिविधि है वो शांत नहीं रह पाता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा सुनामी आ जाता है। नेक्स्ट है उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। हालांकि इसके अधिक उदाहरण नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अधिक कोई उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरता है तो समुद्र के भीतर अशांति पैदा हो जाता है और इससे सुनामी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु भी परीक्षण होता है ना, परमाणु जैसे अमेरिका के द्वारा आप देखे होंगे 1940-1950 के दशक में परमाणु का परीक्षण किया गया था, ठीक है, भारी मात्रा में, तो इससे भी क्या होता है, सुनामी आने की खतरा होती है ना। परमाणु परीक्षण में भारी विस्फोट से नुकसान होने की अत्यधिक उच्च क्षमता होती है, क्योंकि 1940-1950 के दशक इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण सुनामी की घटना का एक उदाहरण है। उस टाइम भी सुनामी की घटना, जैसे कि मान लीजिए ये जो परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण होगा तो इसमें क्या होगा, परमाणु अलग अलग प्रकार की होती है, बड़ा बड़ा विस्फोटक होती है, इससे सुनामी लहरें अशांत हो जाती है, बड़े बड़े सुनामी की लहरें आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी के प्रभाव। सुनामी की अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है और इसके प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, जान माल की हानि। सुनामी से सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों की जान माल संपत्ति का। तेजी से बढ़ती और फैलती हुई पानी की लहरें तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर देती है, लोगों को जान माल से नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है भौतिक क्षति। भौतिक क्षति का मतलब ये, जैसे कि सुनामी से इमारतें, सड़कें, पुल और अन्य संरचनाएं ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तटीय क्षेत्रों की संरचनाएं पानी की ताकत के सामने नहीं टिक पाती। जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र बसा रहता है ना, वो पानी की लहरें से नहीं बच पाती और वो भी खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं भौतिक क्षति, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए, तटीय पारिस्थितिक तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि तटीय में उसका बसा हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, उसको भी क्या करती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे देखिए, समुद्र जीवन, जो समुद्र में जीवन है, प्रवाल भीतियाँ और तटीय वनस्पतियाँ भी प्रभावित होती है। जैसे कि उसके बांध जो बनाया जाता है वो हो जाता है, प्लस में तटीय वनस्पति जो ओवर अगल बगल में रहते हैं, ठीक है, जो जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब चीज़ों को नुकसान होता है। तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मलबा और विषैले पदार्थ, देखिए बहुत सारे मलबा और विषैले पदार्थ क्या होता है, समुद्र में मिलकर पर्यावरण को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। जो गंदे गंदे क्या होता है, पदार्थ होते हैं, वो भी मिल जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। बस आपको पॉइंट याद रखना, पर्यावरण प्रभाव, बाकी तो आप आराम से लिख लोगे ना। नेक्स्ट आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव कब होता है, जब मान लीजिए बड़े बड़े सुनामी आता है, तो इससे पुल टूट जाता है या तो लोगों के जान माल का खतरा होता है, तो सरकार की पैसा खर्चा होती ही नहीं होती, तो उसे बोलते हैं आर्थिक प्रभाव। पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रभाव होता है उसको आर्थिक प्रभाव कहते हैं। पुनर्निर्माण, कोई भी चीज़ अगर खराब हो गई है, ख़त्म हो गई, तो उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा, नहीं जो घर वगैरह किसी का ध्वस्त हो गया तो उसका पुनर्वास मिलेगा। तब पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वास के कार्यों में भारी खर्च आता है,
पर्यटन, मछली पालन और अन्य तटीय उद्योगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसको भी सरकार बनाने के लिए पैसा खर्च करती नहीं करती है, तो यहाँ भी नुकसान होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तटीय समुदाय को अपने घर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है, मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में भी बदलाव आते हैं। जिससे यहाँ जहाँ पर रहते थे वहाँ का सांस्कृतिक कुछ अलग था, अब दूसरे जगह चल गए, उन लोगों को वहाँ पर ढलना पड़ेगा, वहाँ की भाषा सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ तालमेल करना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। और मानसिक तनाव भी इन लोगों को झेलना पड़ता है, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें सुनामी का एक क्या प्रभाव है। अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है, ठीक है। इसके कारण को समझकर और तटीय क्षेत्रों में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजनाएं अपनाकर इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। पहली बात, इसमें दो पॉइंट के बाद किया गया। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। सुनामी क्यों आ रहा है, इसके प्रभाव को समझ करके, ठीक है, इसके कारण को समझ करके और तटीय क्षेत्र में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजना अपना करके हम इसके प्रभावों को रोक सकते हैं। आपदा प्रबंधन का योजना अपना करके कि कैसे इससे हमको बचना है, क्या इसका कारण है, उसका सोलो समाधान निकाल करके हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार का सरल शब्दों में आप क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।